हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, सबको इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट करना है, बट क्या है सही तरीका? तो आपके स्क्रीन पर देखिए, ये टोटल कुछ ऐसे फंड हैं जिन्होंने 5 साल में सबसे बढ़िया रिटर्न दिया, मतलब टॉप परफॉर्मिंग फंड है। यहाँ पे देख लीजिए, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल ये बेहतरीन रिटर्न दिया और ये है उसका नाम, आप वीडियो रोककर देख सकते हैं। अब ये जो 6 फंड है ना, इनमें से 3 फंड ऐसे हैं जो यूएसए के मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और आपने इधर में सुना होगा कि एनवीडिया, जो ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी है, उसने 1 साल में 194% का रिटर्न दिया है ग्लोबल लेवल पर, करेक्ट? तो लोगों का इंटरेस्ट तो आएगा ही। और बाकी जो कुछ फंड है वो अदर कंट्री में भी इन्वेस्ट करते हैं, तो वो कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा। तो अब आपका मन कर रहा होगा कि भैया हम भी स्टॉक में इन्वेस्ट करें यूएसए के, तो रुकिए, जल्दबाजी ना करिए, सिर्फ रिटर्न को देखकर नहीं, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट पे नजर डालेंगे तो आरईसी, पीएफसी, रेलवे, डिफेंस, बम्पर रिटर्न दिया है, तो यूएसए के मार्केट में क्यों जाना, राइट? लेकिन मैं कहता हूं जाना चाहिए, तो कंफ्यूज मत होइए, क्यों जाना चाहिए, क्या है प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है, कैसे कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है, सबके बारे में जानेंगे। और लास्ट में एक बोनस पॉइंट बताऊंगा एक फंड के साथ, जहां पे इंडिया और फॉरेन दोनों का इन्वेस्टमेंट का संगम है और उसके रिटर्न को कोई बीट भी नहीं कर सका है, ठीक है? तो ध्यान से सुनिएगा एक एक पॉइंट को कि जिंदगी भर के लिए इंटरनेशनल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, उसका सारा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले और उससे जरूरी बात कि क्यों करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला है सिंपल जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन तो आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन उसका रियल मतलब समझिए, 10 अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ये कभी डाइवर्सिफिकेशन का पूरा मतलब नहीं है। जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही कंट्री के 10 स्टॉक में किए ना, लेकिन अगर इकोनॉमी स्लो डाउन हो जाएगी तो सारे स्टॉक में प्रेशर आ जाएगा। तो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन कंट्री वाइज भी करना चाहिए कि अगर किसी कंट्री में स्लो डाउन आया तो आपका पोर्टफोलियो पूरी तरीके से अंडर प्रेशर ना हो। इसीलिए फॉरेन इन्वेस्टर क्या करते हैं, अलग अलग कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं। यहां तक क्लियर है डाइवर्सिफिकेशन का रियल मतलब? तो अब आप सोचेंगे यूएसए और इंडिया का स्टॉक मार्केट तो एक ही डायरेक्शन में चलता है, राइट? तो इसको हम एक डेटा से दिखाते हैं। तो अब ये डेटा है, ये डेटा क्या कह रहा है इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर हमने सारे इंडाइसेस का रिलेशन निकाला है, सेंसेक्स डाओ, सेंसेक्स एनवाईएससी, नेस्डेक, एसएनपी 500, हैंगसेंग, निक्की, एफटीएससी, मतलब हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के साथ कैसे रिलेशन है इसको जानते हैं। तो देखिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक तरीका है जो ये बताता है कि दो वेरिएबल आपस में कैसे कोरिलेट करते हैं। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट 1 और -1 के रेंज में होता है। अगर किसी एक मार्केट से दूसरे मार्केट का कोरिलेशन 1, इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है और काफी स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, और -1 का मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है और काफी स्ट्रॉन्ग निगेटिव कोरिलेशन है। सो ध्यान से देखेंगे आप तो पाएंगे कि सेंसेक्स दुनिया के अलग अलग इंडेक्स से हमने कंपेयर कर दिया, कोरिलेशन फाइंड किया, कोरिलेशन काफी वीक है इंडिया और यूएसए में, वहां पे स्पेशली सेंसेक्स और नेस्डेक पे नजर डालो। और इसीलिए पता है फंड हाउस नेस्डेक का क्यों निकालते हैं, वो भी देखो राज यहीं से क्लियर होगा, वीक, ठीक है। और डाउ पे जाते हैं तो ये मॉडरेट है, ध्यान से देखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और इंडिया वाले नेस्डेक फंड है ना, किसका है नेस्डेक फंड कमेंट में जल्दी से बताइए, तो आप समझ पाएंगे। इसको बोलते हैं लर्निंग, कितनी मेहनत से कंटेंट बनाते हैं, इसलिए पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन हिट कर लीजिए। और अगर स्टॉक मार्केट सीखना है, टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, तो भैया हमारा जो मेन चैनल है यहाँ पे शुरू हो रही है 25 तारीख को स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास, यानी आज ही, तो मौका ना जाने दीजिए, कॉल कीजिए, टीम से बात कीजिए, इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। और जो सेक्टर रोटेशन होता है ना वो सब सिखाएंगे। तो क्या है कहानी, 9708094321 पे कॉल करेंगे, टीम सब बताएगी और खुद का बॉस बनेंगे, सेकेंड अर्निंग हो पाएगी। तो अब इससे ये क्लियर हो गया कि अगर हम यूएसए के मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा पोर्टफोलियो जियोग्राफिकल डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इकोनॉमी की स्टेबिलिटी के हिसाब से कंपेयर करें तो यूएसए एक डेवलप्ड नेशन है और इंडिया इमर्जिंग कंट्री है। सो डेवलप्ड कंट्री हमेशा स्टेबल रहती है और इमर्जिंग कंट्री में वोलेटिलिटी रहता है, कैसे वो भी हम आपको दिखाते हैं। वो है यहां पर आपके सामने जीडीपी ग्रोथ का पूरा अप एंड डाउन का चार्ट। यहां पे एक और फैक्टर आता है, वो है करेंसी फैक्टर। इसका अर्थ क्या है कि हमारा जो इंडियन रुपीज है वो कमजोर हो रहा है
और डॉलर अगर मजबूत हो रहा है तो समझिए कि एक एग्जांपल के लिए आप ऐसे समझिए कि जब एक रुपए के अगेंस्ट में डॉलर की वैल्यू 60 रुपए थी, ठीक है, और समझिए कि उस समय आपने इन्वेस्ट किया होता, ठीक है, और आज के डेट में क्या है वैल्यू एक रुपए के अगेंस्ट में डॉलर की 85-86 के करीब में, तो समझो कि अगर उस समय की इन्वेस्टमेंट रहती तो आपको इस करेंसी फैक्टर का भी फायदा मिलता कि आपकी इन्वेस्टमेंट जब रिडीम होती तो ये जो रुपीज और डॉलर के बीच का गैप मिला तो वो एप्रिसिएशन भी आपको मिलता, ठीक है। तो ये एक करेंसी फैक्टर भी माना जाता है, यानी एग्जांपल के लिए आज आप ये सोचते हो कि रुपया और कितना कमजोर हो जाए, तो एग्जांपल के लिए आप अगर पैसा लगा रहे हो तो उस कंडीशन का फायदा मिलेगा। बट अगर टाइम बीइंग जो हम इमर्जिंग मार्केट से डेवलप्ड कंट्री की तरफ दौड़ने की कोशिश में लगे हैं, अगर हम वो बने और उसमें वो फासला गिरता चला गया कि भैया हमारा इंडियन करेंसी इतना मजबूत हो गया कि वो 85 से घटकर फिर एक डॉलर के अगेंस्ट में 60-65 पे आ जाए, तो वो आपका एक नुकसान भी हो सकता है। तो इसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले प्रोज एंड कॉन्स दोनों को देखना। एक और रिस्क है, क्योंकि हमने अच्छी अच्छी बातें जान ली तो अब एक रिस्क करेंसी वाला अच्छा भी था तो निगेटिव भी बताया, अब एक और रिस्क है जियोपॉलिटिकल रिस्क। S&P 500 का परफॉर्मेंस मोस्टली पॉलिटिकल और इकोनॉमी से ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। सो अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है US में तब तो ये अच्छा चलेगा, लेकिन अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है तो इसमें गिरावट भी आ सकती। तो यहां तक आप प्रोज एंड कॉन्स सब समझ चुके हैं और अब बात करते हैं कि भैया इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। तो तीन तरह का तरीका है इंटरनेशनल मार्केट में, एक है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड और तीसरा है इंटरनेशनल ETF। जी हाँ, जो कि कोई भी लेमैन मार्केट में नया आ रहा है तो वो समझ सके, क्योंकि बहुत सारे लोगों को तो इंडियन स्टॉक मार्केट की समझ नहीं है, अगर वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट US मार्केट में कर देंगे तो कैसे हैंडल कर पाएंगे। तो वहां पर बेहतर क्या रहेगा, म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि म्यूचुअल फंड प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हैं कि खुद आप स्टॉक पिक कर सकते हैं, खुद का बॉस बन सकते हैं, तब तो डायरेक्ट करें, लेकिन भैया अगर कुछ जानकारी नहीं है तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ भगवान के तौर पर है म्यूचुअल फंड का। अब यहां पे बात करें ETF की, तो यहां पे लिक्विडिटी का इशू रहता है, क्योंकि पैसिवली मैनेज फंड है और साथ में एक्सपेंस रेशियो भी वेरी करता है। तो मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 FOF और मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 ETF दोनों का ही एग्जाम्पल लेते हैं। तो मजे की बात यह है कि मोतीलाल ओसवाल ने पहले ETF निकाला, फिर उसमें इन्वेस्ट करके FOF बनाया, और वो है आपके सामने ये ETF और 100 FOF। जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये जान लें कि जितनी भी लिस्ट मैंने वीडियो के शुरुआत में दिखाई थी उसमें लगभग सारे फंड ऑफ फंड हैं। अब फंड ऑफ फंड का मतलब क्या होता है कि एक म्यूचुअल फंड किसी दूसरे म्यूचुअल फंड के यूनिट बाय करता है, सिंपल। तो आपको ये चेक करना होता है कि आपका इन्वेस्टमेंट किस फंड में किया जा रहा है और किस कंट्री में, ठीक है, जिससे फंड के बारे में और म्यूचुअल फंड के बारे में आपको आसान रहे, जिसको मैं एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूं। अब जैसे क्या है, PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है। अब इनकी होल्डिंग कहां है, PGIM जेनसन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में, जिनकी होल्डिंग क्या है 98.59% है। यानी अगर आप इन्वेस्ट यहां कर रहे हो तो ये इन्वेस्ट यहां कर रहे हैं। अब हमें ये चेक करना पड़ेगा कि ये कहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमें दिखेगा ऐसे जो मैंने निकाला कि भैया इन्होंने इस कंट्री में इन्वेस्ट किया है, जहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोजर इनका कहां है, यूनाइटेड स्टेट्स में है 62.23% का, उसके बाद फ्रांस में है 14.29% का, इटली में है 6.46% का। तो इस तरीके से हमें FOF में भी अंदर घुसना पड़ता है और तब इस तरीके से ये सारी डिटेल निकल के आती है कि इसका इन्वेस्टमेंट कहां है, और ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अब इस वीडियो का फाइनल क्वेश्चन, किसमें करना चाहिए इन्वेस्ट? तो देखिए, इसका सीधा कोई सही आंसर नहीं है, क्योंकि सही फंड है ये जानने से पहले दिमाग में ये बात रख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्टमेंट का मतलब डाइवर्सिफिकेशन है, ना कि रिटर्न। क्योंकि ये जितने भी टॉप परफॉर्मिंग इंटरनेशनल फंड है, इतना रिटर्न डोमेस्टिक वाले भी देते हैं, ठीक है, उससे ज्यादा देते हैं। तो क्यों जाना इंटरनेशनल के लिए, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन करना है। यहां पे एक चीज याद रखिए कि उस एलोकेशन में जाइए जिसका सारे कंट्री में हो, जैसे PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी फंड, इसका मैंने आपको दिखाया कि कैसे पूरा बटा हुआ है वर्ल्ड में। तो इस तरीके से अगर समरी पे आते हैं और फिर बोनस पॉइंट पे आएंगे, तो समरी ये बनती है कि भैया मेरी नजर में
जब आप जा रहे हो तो मोतीलाल ओसवाल का जो नेस्डेक का कहानी बन रहा है, ये आपका इन्वेस्टमेंट सीधा नेस्डेक में कर रहा है बराबर, बट रिटर्न तो मैंने आपको यहां पे दिखा ही दिया था। रिटर्न आपको यहां पर मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक का फंड ऑफ फंड का 5 साल का क्या है, 16% का कहानी है बराबर है, यानी लॉन्ग टाइम फ्रेम में क्या हुआ, रिटर्न घट गया ठीक है। उसके बाद पीजीआई में इंडियन ग्लोबल इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड में क्यों जा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ एक कंट्री में नहीं पूरे कंट्री में पैसा लग रहा है राइट। तो इस तरीके से ये दो तो निकल के आते हैं जो कि सत्य है, जो समझना भी जरूरी है जानना भी जरूरी है, बट उसके रिटर्न को भी दिखाया किस तरीके से सेलेक्ट करते हैं उसको भी दिखाया। बट अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बोनस वाला ठीक है, वो आएगा मजा। वो बोनस क्यों है देखिए, तो हमारा बोनस है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों? क्योंकि देखिए 65% 65% ये हमारा इंडियन मार्केट में लगाते हैं ठीक है, और 35% यूएस मार्केट में, और दैट्स द बिग रीजन आप किसी भी फ्लेक्सी कैप को देखोगे उससे टॉप मोस्ट ये परफॉर्म करते हैं। और वहां पे ये जो 35% का वेरिएशन है अपने हिसाब से कि मार्केट इनको लगे सही है तो ज्यादा रखते हैं, मार्केट लगे अच्छा नहीं है तो उसको घटा के कम कर देते हैं, तो इस तरीके से वेरिएशन प्ले करते हैं जिससे कि एक बेहतरीन रिटर्न मिले। तो अब क्या हुआ, हमारा एक्सपोजर भी चला गया इंटरनेशनल मार्केट में, जो कि हमारा थॉट प्रोसेस है ना, हमें तो उसी से तो मतलब है। प्लस फ्लेक्सी कैप में जब आप पैसा लगाते हो इधर उधर लगा देते हो, बट फ्लेक्सी कैप में सारे फ्लेक्सी कैप का बाप क्यों है, क्योंकि ये इस तरीके से गेम प्ले करता है, तो उस एंगल में ये बहुत बेहतरीन चला जाता है। क्योंकि वहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं जो अभी तक मैंने डिस्कस नहीं की, वो था एक्सपेंस रेशियो। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो बहुत सारी चीजें कहीं से क्लियर नहीं होती है, और वहां पर एक्सपेंस रेशियो भी बहुत हिडन रहता है, अंदर के अंदर घुस के रहता है, और कई जो म्यूचुअल फंड हाउस रहते हैं उस एक्सपेंस रेशियो को खुल के दिखाते ही नहीं है, हिडन टाइप रहता है। तो उन सब के मद्देनजर वहां पे खर्चे भी ज्यादा लग जाते हैं, रिटर्न भी कम बनता है, और वहां पर ये आपके उस सारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। तो ड्यू टू दैट रीजन इधर से हमारा मोतीलाल ओसवाल तो है ही, चूंकि मुझे चूंकि हम इंटरनेशनल की बात करें तो मुझे बताना जरूरी है, पीजीआईएम क्यों है वो बताना जरूरी है, और ये क्यों है वो बताना जरूरी है। तो इस तरीके से मैंने आपको एक नजरिया देने की कोशिश की, और आपको म्यूचुअल फंड रिगार्डिंग कोई भी हेल्प और गाइड चाहिए तो गूगल फॉर्म भर दीजिए। कैसी लगी लर्निंग, क्या पिक्चर सारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, प्लीज जरूर बताइएगा, क्योंकि मेरी कोशिश थी एक वीडियो में हमेशा के लिए यूएस मार्केट में इन्वेस्टमेंट के डाउट को क्लियर करना, तो वो शायद मैंने अपने जान में पूरी कोशिश की है। तो बस वीडियो को शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू सो मच।